हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल यासर अली क्लासेस। सो आज की क्लास में हम इस बात करेंगे कि 11th एंट्रेंस का कट ऑफ क्या रहने वाला है। ओके, 11th एंट्रेंस साइंस का, डिप्लोमा का, आर्ट्स का, कॉमर्स का क्या कट ऑफ रहने वाला है और कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, किस किस कोर्स में कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, साइंस में कितनी है, डिप्लोमा में कितनी है, कॉमर्स में कितनी, आर्ट्स में कितनी है, बॉयज़ का कितना है और गर्ल्स का कितना सीट्स है, इन सारी चीज़ों पर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट यहां पर कि हमारे पास कितना नंबर ऑफ सीट्स अलग अलग कोर्स में रहता है। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स साइंस स्ट्रीम की। अब साइंस स्ट्रीम में हमारे पास जो रहेगा वो पीसीएमबी होगा, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले स्टूडेंट और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले स्टूडेंट्स। ओके, तो साइंस के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो वो है हमारे पास साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं साइंस के, ठीक है। बॉयज की अगर हम बात करें तो बॉयज की टोटल सीट्स हैं स्टूडेंट्स 755। ओके, टोटल बॉयज की सीट्स कितनी है 755। वहीं पर बेटा अगर बात करें बॉयज की तो बात कर ली, गर्ल्स की अगर बात करते हैं तो गर्ल्स की जो सीट्स हैं टोटल वो है 480। टोटल सीट्स कितनी है 480, 480 सीट गर्ल्स के लिए है, 755 सीट्स फॉर बॉयज। ओके, साइंस स्टूडेंट के लिए। फिर बात करते हैं स्टूडेंट हम लोग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ओके, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में बॉयज़ की अगर बात करें तो बॉयज़ का जो रेशो है, बॉयज़ की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 384 फॉर बॉयज़। ओके, और गर्ल्स के लिए अगर बात करें हम, यहाँ पर 111 सीट्स हैं, 111 यानी कि 111 सीट्स हैं। तो अब ये साइंस का हो गया और ये बॉयज़ का हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट हम लोग कॉमर्स की, ठीक है, बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स, कॉमर्स में बॉयज़, ओके, कॉमर्स में बॉयज़ की नंबर ऑफ सीट्स है स्टूडेंट 210। ओके, 210 फॉर बॉयज़। और गर्ल्स की है हमारे पास, गर्ल्स की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो हैं 60 सीट्स। गर्ल्स की सीट्स कितनी स्टूडेंट्स 60 सीट्स किसकी हैं, गर्ल्स की 60 सीट्स हैं और बॉयज़ की कितनी है टोटल 210 सीट है स्टूडेंट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्ट्स की, ह्यूमैनिटीज़ की, ठीक है, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में बॉयज़ की सीट्स हैं टोटल, बॉयज़ की सीट्स हैं 160। ओके, और गर्ल्स के लिए बेटा कॉमर्स में कम है बट ह्यूमैनिटीज़ में ज़्यादा सीट्स हैं, वो हैं 140 सीट्स। ओके, 140, 140 सीट्स हैं। ओके, 140, 140 सीट्स। तो ये स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कितना स्टूडेंट्स अपीयर हुआ था, कितने स्टूडेंट्स इन एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हुए थे। तो बात करते बेटा साइंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग की, उसमें तकरीबन 22,700 के आसपास स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। फॉर्म तो 26-27 हज़ार बच्चों ने भरा था बट कितने अपीयर हुए थे एग्जाम में, 22,700 के आसपास। ओके, यहाँ पर बेटा कॉमर्स में 6,000 प्लस लोगों ने फॉर्म भरे थे बट अराउंड 4,500 के आसपास यहाँ पर एप्लीकेंट्स मौजूद रहे। ओके, तो बेटा यहाँ पर अगर आप देखें कॉमर्स और आर्ट्स की अगर हम बात करें तो टोटल सीट्स कितनी हो गई, ठीक है, टोटल सीट्स की बात करते हैं बेटा 210 प्लस 60 270। ओके, 160 प्लस 140 दैट 300, तो ये हो गई 570 सीट्स, 570। और बेटा हमारे पास तकरीबन कितने एपेड स्टूडेंट्स हैं, 4,500। तो अगर देखा जाए तो बेटा यहाँ पर हमारे पास एक परसेंटेज ज़्यादा है, 10% से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ओके, सिलेक्शन का रेशो। तो अब यहाँ पर बेटा 4,500 बच्चे कितनी सीट्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं, 570 सीट्स के लिए यहाँ पर फाइट है सारे स्टूडेंट्स के बीच में, जिसमें से बेटा 270 अगर देखें तो, अगर बॉयज़ का अगर देखा जाए तो बेटा ये हो गया कितना 370 तो बॉयज़ के लिए हैं, 370 बॉयज के लिए, गर्ल्स का जो है 60 और 200 कौन है बेटा, गर्ल्स हैं। तो मिलाकर कितना हो गया 570 टोटल सीट्स हो चुकी हैं, किसमें, कॉमर्स और आर्ट्स में, ठीक है, दोनों में मिला के। कॉमर्स की कितनी है मैंने आपको बता दिया, कितनी है कॉमर्स की बेटा, कॉमर्स की 270 और आर्ट्स की कितनी है 300, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स का रेशियो ज्यादा रहता है। बात करते हैं अब साइंस की, ठीक है, साइंस में बॉयज के लिए कितनी सीट्स है बेटा, 755 बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए कितनी है 480, ठीक है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में 384 फॉर बॉयज और 111 किसमें बेटा, गर्ल्स के लिए है, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमें नंबर ऑफ सीट्स के बारे में स्टूडेंट्स पता चल गया कि किस कोर्स में कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। ओके, यहां तक किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब बेटा आपके यहां पर अब हम बात करते हैं मैरिट की, कि क्या मैरिट जाने वाली है, ठीक है, क्या मैरिट जाने वाली है, कॉमर्स की क्या जाएगी, साइंस की क्या जाएगी, वो सारी सीट्स के बारे में बेटा हम बात करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बेटा कट ऑफ की, ठीक है, कट ऑफ
कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो कट ऑफ की बेटा बात करते हैं, साइंस की सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंस, ठीक है। इंटरनल बच्चों के बारे में बात करेंगे पहले, इंटरनल, ठीक है, जो इंटरनल स्टूडेंट है। अब इंटरनल में बॉयज भी हैं, इंटरनल में बॉयज भी हैं और इंटरनल गर्ल्स भी हैं, ठीक है। गर्ल्स बॉयज दोनों के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। अब यहां पर हम बात करते हैं बेटा, तो अगर इंटरनल बॉयज है, अगर इंटरनल बॉयज है तो बेटा अगर आपके 42 प्लस आ रहे हैं, अगर आपके क्या आ रहे हैं 42 प्लस, अगर आप इंटरनल स्टूडेंट है 42 प्लस आ रहे हैं, ओके, तो बेटा आप बॉयज हैं तो सिक्योर है आपकी सीट, ठीक है। गर्ल्स की अगर बात करें बेटा, गर्ल्स की तो 44 प्लस, ओके, 44 प्लस ये है। बात करते बेटा एक्सटर्नल स्टूडेंट की, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बॉयज की बात करते हैं बेटा, तो एक्सटर्नल बॉयज की बात करते हैं तो बेटा 54 प्लस, अगर आप बॉयज है इंटरनल एक्सटर्नल है तो 54 आपका स्कोर होना चाहिए एटलीस्ट, ओके। और अगर गर्ल्स की बात करते हैं बेटा, गर्ल्स की बात तो 56 प्लस। अब जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज बेटा वो लोग बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, ओके, कि सर वेटिंग कितने पे क्लियर हो जाएगी, सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, या आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ओके। इसके अलावा बेटा एक और चांस होता है, वो है सेल्फ फाइनेंस का चांस, ओके, वो किस पर मिलेगा वो भी वीडियो के एंड तक मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहां पर बात हो गई बेटा साइंस के लिए, तो साइंस में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों की बात हो गई, गर्ल्स बॉयज दोनों की बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कॉमर्स के लिए, ठीक है, कॉमर्स आर्ट्स के लिए, ठीक है, ओके, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए हम बात करते हैं। यहां पर ये साइंस वाला हो गया बेटा, कॉमर्स आर्ट्स के लिए बात करते हैं। अगर आप इंटरनल हैं, ठीक है, इंटरनल बॉयज हैं, ठीक है, तो बेटा आपको यहां पर जो मिलेगा वो 43 प्लस पे आपको मिल जाएगा, 43 प्लस, ठीक है। अब सर कॉमर्स का ज्यादा क्यों जा रहा है, क्योंकि बेटा पेपर थोड़ा सा आसान था, है ना। गर्ल्स की बात करते हैं, कॉमर्स की बात करते हैं, इंटरनल की बात करें, ठीक है, इंटरनल 46 प्लस। अब बात करते हैं एक्सटर्नल बच्चों की, ठीक है, जो भी एक्सटर्नल बच्चे हैं, एक्सटर्नल बॉयज का बेटा 50 प्लस और गर्ल्स का यहां पर 55 प्लस, ठीक है। ये बात हो गई कॉमर्स की। अब इसमें ह्यूमैनिटीज में आप 2-3-4 नंबर कम कर सकते हो, ठीक है, ह्यूमैनिटीज के लिए। अब बात करते हैं बेटे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक है, डिप्लोमा की बात करते हैं, इंटरनल की बात करते हैं, डिप्लोमा इंटरनल, ठीक है, जो डिप्लोमा इंटरनल स्टूडेंट है, बॉयज की बात कर रहे हैं बेटा हम, ओके, 40 प्लस, और गर्ल्स के लिए बात करते हैं बेटा हम, गर्ल्स के लिए ये है हमारा 44 प्लस इंटरनल बच्चों के लिए। अब बात करते हैं बेटा एक्सटर्नल स्टूडेंट की, ठीक है, कि एक्सटर्नल स्टूडेंट का क्या कट ऑफ रहेगा, ठीक है, एक्सटर्नल का कट ऑफ बेटा 54 प्लस एंड ये है 58 प्लस, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है स्टूडेंट, एक्सपेक्टेड, अगर इससे 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, इससे 1-2 नंबर कम ही रहेंगे। ये बिल्कुल एक ऐसी कट ऑफ आपको बताई गई है कि इसमें आप सिक्योर जोन में हैं, ओके। अब आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सर हमारे इतने मार्क्स हो रहे हैं, हमारा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वेटिंग आएगी तो वेटिंग कितनी आएगी और कितनी क्लियर होती है, अक्सर कितनी क्लियर हो पाती है, और सर हमारा जो 11 सेल्फ फाइनेंस का प्रोसेस वो क्या है। तो बेटा जब बच्चों का एडमिशन यहां पर हो जाता है तो उसके कुछ टाइम के बाद सेल्फ फाइनेंस का एक प्रोग्राम है जहां पर तकरीबन 25,000 से 26,000 फीस होती है, और उसमें अलग अलग कोर्स में अलग अलग सीट्स है, वो भी मैं बता दूंगा कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, बट एक चांस आपके पास रहता है। अगर कोई इंटरनल बच्चा है उसके कितने भी मार्क्स आए इंटरनल उसके इस एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, उसको मिल सकती है सीट, ओके। और अगर कोई एक्सटर्नल बच्चा है तो उसका बेटा मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए, 15 मिनिमम मार्क्स। तो नो मिनिमम मार्क्स फॉर इंटरनल स्टूडेंट, और 15 मिनिमम मार्क्स किसके लिए बेटा, एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए, फॉर अपीयरिंग इन सेल्फ फाइनेंस स्कीम। बेटा सेल्फ फाइनेंस स्कीम में अपीयर होने के लिए मिनिमम एक्सटर्नल के लिए 15 मार्क्स एंट्रेंस एग्जाम में होने चाहिए, बट ऐसा मिनिमम क्राइटेरिया कोई इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो बेटा ये है आपका जो कट ऑफ है और नंबर ऑफ सीट्स है और कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, ये सारी चीजें मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो इस चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपसे रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन आए, जो भी हम वीडियोस लेकर आए, सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।